मेरे बड़े बड़े ऑपरेशन इंग्लैंड में हुए, यहाँ बड़े बड़े अस्पतालों में, कराची में। 35 साल से मेरे एक किडनी है और एक किडनी पे मैं चल रहा था, वो भी अब ख़राब हो गई। तो अब मैं जा रहा हूँ 11 तारीख को डायलिसिस के लिए। जैसे अल्लाह ताला ने मुझे और बहुत सारी बीमारियों से निकाला, इससे भी निकाल देगा। जब तक ये तैयार ना हो, ये नाश्ता नहीं कर पाते। सर बस 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 सर, कहते हैं 4 खानी चाहिए, 5-6-7 ले लेनी चाहिए। किसी का बुरा ना चाहें, हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा चाहें, और अल्लाह ताला इसका आपको सिला देगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जान रंबो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। कैसे हैं आप? हम आए हुए हैं इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद आए और एक शख्सियत से हम भी ना मिलें और आपकी मुलाकात ना कराएं, ये कैसे हो सकता है? जिनका सबसे ज़्यादा आप मैसेज करते हैं, और अगर उनकी एक वीडियो मेरे चैनल पे है और वो देख के आप नीचे शुक्रिया अदा करते हैं कि यार रैम्बो भाई बहुत शुक्रिया आपने इनसे मिला दिया। तो आइए एक दफ़ा फिर मिलते हैं वन एंड ओनली खालिद हफीज खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बेहतरीन, माशाल्लाह जी। देखें मैं आपको बताता रहता हूँ ना, ये वो शख्सियत है, ये देखें जरा। जब तक ये तैयार ना हो, ये नाश्ता नहीं कर पाते। ये नाइट सूट में नाश्ता नहीं कर सकते, और मैं हैरान होता हूँ। और हम मुंह धो लें तो फिर हम नाश्ता नहीं कर सकते। ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। बात ये है कि कुछ आदत सी पड़ गई है बचपन से, कि जब उठता हूँ मैं, उठने के बाद सबसे पहला काम होता है बाथरूम जाना। बिल्कुल, वो तो सबका ही होता है। बाथरूम से फिर अपने मुंह हाथ धोना, शेव करना, नहाना धोना। रोज शेव करते हैं? नहीं रोज नहीं, एक दिन छोड़। एक दिन छोड़ के, क्यों? मेरा ज्यादा शेव है नहीं, इतना आता नहीं, तो मुझे थोड़ा सा एडवांटेज ये, एक दिन छोड़ के करता हूँ तो मुझे ज्यादा महसूस भी नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि कपड़े वपड़े बदलना, जब बदलने ही है तो उसी वक्त में बदल लेता हूँ, तो फिर बैठ के नाश्ता करते हैं। क्योंकि जी हमें माशाल्लाह, मुझे तो 35 साल तो मुझे हो गए आपसे मिलते हुए। हाँ ये बात है, ये बात तो 35 साल से हम देख रहे हैं, और मैं जब भी आता हूँ ना, ये बिल्कुल इसी तरह तैयार बैठे होते हैं, अचानक आते हैं, बा फोन करके नहीं आते, दरवाजे पे आके बताते हैं। लेकिन कभी हमें ये इस तरह मिल जाए, लेकिन ये इसी तरह माशाल्लाह तैयार मिलते हैं। तो मैंने कहा जी चलें आपकी इनसे भी मुलाकात करा दें। चलो तो ये जब भी हम आते हैं, और ये फौरन आपको ये वाली साइड दिखाते हैं जी, हम आपको देखें कितना अच्छा व्यू है। मारगला की पहाड़ियाँ, मारगला की पहाड़ियाँ, ये बहुत खूबसूरत व्यू है। और अच्छी बात ये है कि हमारे घर में ये घर जब बनाया तो इसमें जो खिड़कियाँ रखी वो बड़ी बड़ी रखी, सिर्फ इसीलिए कि ये सामने का व्यू जो है ना बहुत खूबसूरत नजर आता था। आजकल फल कौन कौन से लगे हुए हैं? अच्छा फल जो है ना, आप ये देखो, अमरूद तो अभी निकलने वाला है, ये देखो आने शुरू हो गए। हाँ देखो ना, जी जी, ये सारा ये इधर देखो सब भर रहा है। बिल्कुल माशाल्लाह, शुरू हुआ है अमरूद। ये भी मेरी तरह इधर सब्जियां लगी हुई हैं जी। हाँ। ये ग्रेप फ्रूट है, देखें जी ये इस्लामाबाद में, लाहौर में इस तरह का एक पीले फूलों वाला होता है दरख्त, और इस्लामाबाद और पिंडी में ये वाला, ये कितना प्यारा लग रहा है। ये पर्पल टाइप नीले है, कुछ मिक्स है, ये बड़ा प्यारा लग रहा है। ये बेरी है जी, बड़े वाले बेर। आइए जी अंदर से आवाज़ आई है कि खाना लग गया है, खाना खाने चलते हैं जी। अच्छा जी, बहुत सारे आपके लिए मैसेज हैं जो हम खाना खा के आपके मैसेजेस का जवाब खालिद भाई से लेंगे। एवरग्रीन यंग बॉय, हाँ हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये दुआओं में याद रखें, दुआएं बहुत हैं जी आपके लिए सर। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी दुआएं आती हैं आपकी, जो कोई पुरानी वीडियो देखता है ना उनका बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी अभी तो आपका बाकायदा शुक्रिया अदा करेंगे जी। जरा हम खाना खा लें। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बिल्कुल ठीक, खाना लग चुका है जी। खालिद साहब का दस्तरखान, हम खाना खा लें फिर बात करते हैं। हाँ जी हमने खाना खा लिया जी, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त। खालिद साहब के घर और खालिद साहब से अभी मैं आपके क्वेश्चन पूछता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है खालिद साहब, आप ये बताएं कि लोग आपको इतना प्यार, इतनी दुआएं देते हैं, उसकी क्या वजह है? ये बहुत अच्छा सवाल है, मेरी समझ में भी नहीं आता
कि ऐसी कौन सी चीज़ है मुझ में जो लोग इतना प्यार और इतनी मोहब्बत और इतना ख्याल करते हैं, जबकि मैं समझता हूँ, मैं खुद ये समझता हूँ कि कह रहे हैं आपका काम नहीं, मैं ये तो काम जो किया ये ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तो बहुत बहुत लोग अच्छा ठीक है आप ठीक कह रही हैं, लेकिन उसके कसर नफसी से काम नहीं, कसर नफसी से बिल्कुल काम नहीं ले रहा मैं तो अभी। मैंने कुछ मैंने ख्यालात का इजहार किया इन लोगों के सामने, जो ज़रा लंबा है वो मैं आपके सामने इस वक्त तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर किसी वक्त ज़रूर करूँगा। तो लोग जो करते हैं वो ये अल्लाह ताला का मेरे ऊपर बहुत बड़ा करम फजल और इनायत है कि उसने मुझे बहुत सारी सीरियस बीमारियों में से ऐसे निकाल दिया कि पता ही नहीं लगा। माशाल्लाह मेरे बड़े बड़े ऑपरेशन इंग्लैंड में हुए, यहाँ बड़े बड़े अस्पतालों में, कराची में 35 साल से मेरे एक किडनी है और एक किडनी पे मैं चल रहा था, वो भी अब ख़राब हो गई। तो अब मैं जा रहा हूँ 11 तारीख को डायलिसिस के लिए, अल्लाह करेगा, मुझे उम्मीद है जैसे अल्लाह ताला ने मुझे और बहुत सारी बीमारियों से निकाला इससे भी निकाल देगा। तो अल्लाह पर अगर आदमी भरोसा रखे तो क्या नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ बस ऊपर वाला है, आप उसको याद करते रहें, उस पर पूरा ईमान रखें, उस पर पूरा इत्तेहाद रखें, वो आपको कभी मायूस नहीं करेगा, हमेशा खुश रखेगा। और एक मैसेज और आता है जी, अल्लाह आपको ज़िंदगी सेहत दे सलामत रखे, और इंशाल्लाह बाकी ऑपरेशन की तरह ये भी इंशाल्लाह खैर से होगा, और हम बार बार मिलते रहेंगे, अल्लाह आपको सलामत रखे। एक और बड़ा क्वेश्चन ये है कि खालिद साहब मिले थे, उनसे पूछना है कि आजकल आप क्या करते हैं? आजकल मैंने एक नया काम शुरू किया है, नया शोभा दरियाफ्त किया है। अच्छा, वो कौन सा है? नहीं अब वो बता दूं कौन सा है तो फिर तो बाद में कभी बताऊंगा। अच्छा, उसमें थोड़ा सा खर्चा होता है, लेकिन ये कि वो आपको सेटिस्फेक्शन बहुत देता है। अच्छा, और जिसके साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिसके साथ दूसरे के साथ, तो वो आपको दुआएं बहुत देता है। अच्छा, और फिर आपके साथ अच्छा बहुत करता है, अच्छा करता है, दुआएं देता है, खुश होता है, तो आपको वो सेटिस्फेक्शन मिलती है, आप खुद भी मुतमईन होते हैं। तो ये काम हमें आप बताएंगे नहीं अभी? नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं बताएंगे। मैंने बताया ना, ये इसमें ये खर्चे वाला काम। अच्छा, अगली दफ़ा बताएंगे, अगली दफ़ा बता दूंगा। अच्छा, दूसरा सबसे ज़्यादा मैसेज ये आते हैं कि आपकी पुरानी वीडियो अभी पिछले एक महीने से ना बहुत ज़्यादा दोबारा देखी जा रही है, जो हमने पहला इंटरव्यू किया था। अच्छा अच्छा, कहते हैं कि जी आप लोगों को देख के हमें बचपन याद आ जाता है, और आपके साथ हमारा बड़ा हसीन बचपन गुजरा है। क्या बात है, क्या बात है, अगर आपका बचपन हमारे साथ हसीन था तो यूँ समझ लें कि ज़ाहिर है हमारा बचपन भी हसीन था। हसीन, हाँ हाँ, क्या बात है। और ज़ाहिर है आप अगर हुसन परस्त हैं तो हम भी कोई नहीं है। बाहर ये चीज़ें लगी रहती हैं, चलती रहती हैं। अल्लाह आपको भी सलामत रखे और आप भी खुश रहें। बस एक बात हमेशा याद रखें, किसी का बुरा ना चाहें, हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा चाहें, और अल्लाह ताला इसका आपको वो देगा, सिला देगा। सही बात, मेरे पास तो एक यही बात है। दुआ कीजिएगा तो इसी तरह ये हंसते मुस्कुराते रहें, और हम बार बार मिलते रहें और आपसे मिलवाते रहें। इंशाल्लाह। बेगम साहिबा बातें खामोशी से सुन रही हैं। मैं बिल्कुल रिलैक्स बैठी हुई हूँ। मैं यहाँ समझती हूँ कि जैसे अपना घर है, वहाँ के मुझे बहुत ही सुकून मिलता है, और बातें सुनती हूँ और इन्जॉय करती हूँ। और खालिद साहब की बातें मतलब वीडियो बनाने पे आए ना तो ये कई घंटे की बन जाए, इतना मटेरियल है, इतनी मज़े की बातें हैं, बंदा बोर नहीं होता, सुनता ही रहता है। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, अल्लाह इन्हें ज़िंदगी से सलामती दे, तो उसके बाद फिर दोबारा आएंगे तो कुछ आपसे टिप्स लेंगे जो आप वो बता नहीं रहे सर, बताना है। ठीक है जी, ये लो अजवा, अब आएंगे जी, अजवा के जोड़ दी जाते जाते जी गिफ्ट।
सर बस 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 सर कहते हैं तीन चार खानी चाहिए, पाँच छः सात ले लेनी चाहिए। जज़ाकअल्लाह। नहीं बस मैं अभी मैंने वो केक खाया और मीठा खाया है, काफी चीजें जो घर में आज का बना खा ली है। अगर आप ये रास्ते में भी खाएं तो काफी है मेरा। चलो मैं ठीक है रास्ते में। जी जी आप बैठे बैठे। अल्लाह हाफिज़। हारून अल्लाह हाफिज़। सर बाहर छोड़ना जरूरी है आप बैठे? नहीं बहुत जरूरी है, ये कैसे हो सकता है कि मैं बैठ जाऊं? अच्छा माशाल्लाह अल्लाह करे आप इसी तरह चलते भागते फिरते रहे इंशाल्लाह। अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे। आमीन आमीन। और आप कह रहे हैं ना जी जी अरे जाते फिरते रहे इंशाल्लाह अल्लाह करे ऐसा ही हो, ऐसा ही होगा। ओके 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 अल्लाह हाफिज़।